एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में और उसके सेफेस्ट कट ऑफ रैंक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर सेफेस्ट रैंक क्या हो सकता है, हमें कट ऑफ बता दीजिए, क्या मुझे इस नंबर पर ये कॉलेज मिल जाएगा, इस नंबर पर ये वाला एम्स मिल जाएगा, क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। तो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन बच्चों के मन में जो चल रही है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही आज मैं आपके लिए सामने ये वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में सेफेस्ट रैंक के बारे में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं पिछले जो हमारे पिछले साल का डाटा था, जिसके अंदर बच्चों को एडमिशन मिली थी राउंड वन का और राउंड टू का, कितने कितने रैंक गया था, उस सब के बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यानी कि पिछले साल के डाटा को भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने शो करने वाला हूं, कंपेयर करेंगे, और इस साल का भी बताने वाला हूं कि इस साल आपका जो सेफेस्ट रैंक है वो कहां तक जा सकते हो, किस जोन के अंदर आप खुद को सेफेस्ट मान सकते हो, किस जोन तक आपको जो है कोई ना कोई एम्स जो वो मिल जाएगा। यानी कि दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, पिछले साल के बारे में भी और इस साल के बारे में भी, ताकि आपकी जो सारी की सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सारे कैटेगरी के बारे में, जो इन बच्चों का रैंक इनके बीच में आ रहा है वो समझ लो सेफेस्ट जोन के अंदर है और उनको कोई ना कोई जो है एम्स मिल जाएगा। बट इट इज नॉट कंपलसरी कि फर्स्ट राउंड के अंदर ही मिलेगा, सेकंड राउंड के अंदर भी उनको जो है वो मिल सकता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों को मिलाकर बताने वाला हूँ। इसमें स्ट्रेट वैकेंसी राउंड नहीं है, यानी कि मॉपअप राउंड नहीं है, फर्स्ट और सेकंड राउंड की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी से होते हो, अगर आपका रैंक 1300 और 1500 के बीच में आ रहा है, ठीक है, अगर आपका रैंक 1300 से 1500 के बीच में आ रहा है, तो आपको बच्चों कोई ना कोई एम्स जो है वो जरूर मिल जाएगा फर्स्ट या सेकंड राउंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, तो अगर आपका रैंक 2000 से 2200 के बीच में है, तो आपको कोई ना कोई जो एम्स आराम से जो है वो मिल जाएगा। ये डाटा हमने तभी प्रिपेयर किया है पिछले सालों के डाटा को कंपेयर करते हुए। पिछले साल का डाटा भी मैं आपको अभी आपको शो करवा देता हूँ कि पिछले साल पे कितने कितने रैंक पे जो है वो कट ऑफ गई थी, वो भी सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे 4300 से लेकर 4600 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है, तो आपको कोई ना कोई एम्स जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें, तो 4800 से लेकर 5000 के बीच बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है, तो आपको कोई ना कोई एम्स जो है वो आराम से मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें, 7000 से 8000 तक अगर आपका रैंक आ रहा है, तो आपको कोई ना कोई एम्स जो है वो आराम से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पिछले साल का, पहले मैं आपको डाटा शो करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीजें कंपेयर करा देता हूँ कि बच्चों ये सब जो एडमिशन मिलती है ना, इसमें जरूरी नहीं है कि अगर आपका रैंक 4601 है तब भी आपको अप्लाई करना ही करना है, चाहे कुछ नहीं। अगर मैंने यहाँ पे 4600 बोला है तो दैट डज नॉट मैटर, अगर आपको 4601 भी आता है ना तब भी आपको अप्लाई करना है, 4650 भी आ रहा है ना तब भी अप्लाई करना है। ऐसे सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, सारी कैटेगरी वाले बच्चों को। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है वो चॉइस फिलिंग करनी नहीं आती है, चॉइस फिलिंग करनी ही नहीं आती। अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी नहीं आएगी, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, जो जिसकी वजह से उनको अच्छा अच्छा रैंक आने पे भी उनकी जो सीट नहीं मिलती है। तो आपको खास करके चॉइस फिलिंग के अंदर खास करके ध्यान रखना होता है, दो चीजें सबसे ज्यादा मेन होती है आपको किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, एक होता है आपका चॉइस फिलिंग करना, दूसरा होता है आपके डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट्स बच्चे वेरीफाई नहीं करवाते, डॉक्यूमेंट्स बच्चों के पास प्रॉपर नहीं होते हैं। तो अगर ये दोनों चीजों में से कुछ भी चीज मिसिंग है, तो बच्चों की सीट को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल आउट कर दिया जाता है और बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। तो उनकी जो सीट है वो क्या हो जाती है, उस टाइम पे वेकेंट हो जाती, खाली हो जाती। तो नीचे के जो बच्चे होते हैं, नीचे के रैंक वाले, वो उनकी सीट्स को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। इसलिए आपको कभी भी हिम्मत नहीं हार रही, छोड़ना नहीं है कुछ भी। और सबसे ज्यादा प्रोसेस, चाहे आपका रैंक कम है चाहे आपका रैंक ज्यादा है, सबसे ज्यादा फोकस इस चीज के ऊपर करना है, चॉइस फिलिंग के ऊपर। अब आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूं, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बताया कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे करनी है, कौन से कॉलेज को सबसे पहले करना है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है, सब कुछ उसमें बताया। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो को चेक करें, फिर उससे उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाए, उसी हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करें, ताकि आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आप कोई भी गलती ना करो और आपको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए काउंसलिंग में से। चलिए बच्चों, मैं आपको पिछले साल का डाटा जो है वो यहाँ पे शो करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम बने हुए हैं, तो एक जो है ऊपर वाला वो फर्स्ट राउंड का है, नीचे वाला जो है वो सेकंड राउंड में है। तो उसमें अगर आप यूआर कैटेगरी में देखो, तो लास्ट में 1048 पे फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ गई थी, एडमिशन मिली थी। ओबीसी की बात करें तो 1712 पे गई थी रैंक पे। एससी कैटेगरी की बात करें 4339, यानी कि 4339 पे फर्स्ट राउंड के अंदर जो है वो एडमिशन मिल गई थी पिछले साल की बात करें तो, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई थी। तो एसटी कैटेगरी की बात करें तो 8221 के ऊपर जो है वो फर्स्ट राउंड के अंदर जो है वो गई थी कट ऑफ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 3441 नंबर पे जो है रैंक पे आपको जो है वो एडमिशन मिल गई थी। वहीं सेकंड राउंड की बात करें तो यूआर के लिए 1327 तक आपकी कट ऑफ गई थी। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 2006 तक गई थी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4903 तक, एसटी वाले बच्चों के लिए 7870, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 4337। तो लेकिन इस साल दो एम्स बढ़े हैं,
एम्स बड़े होने की वजह से नंबर ऑफ सीट्स भी बड़े हैं, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी जो हमारे पास बड़े हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से आपकी यहाँ पे जो कट ऑफ बनाई है कि इन रैंक्स के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप एक सेफ जोन के अंदर हो, आपको कोई ना कोई एम्स जो है वो आराम से मिल जाएगा। और दूसरी चीज का और ध्यान रखें कि जिन बच्चों का रैंक बहुत ज्यादा लो है या फिर लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो ऐसे बच्चे क्या करें? तो देखो बच्चों, ऐसे बच्चे या तो किसी और स्टेट का एम्स के अलावा बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी राज्य का एम्स सरकारी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो कॉलेज आपका आईएमसी अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता होता कि जिस भी कॉलेज से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, वो बीएससी नर्सिंग करने से पहले आपको ये चेक करना है कि वो कॉलेज आपका आईएमसी अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वो आईएमसी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है, तो अगर आप उसे बीएससी नर्सिंग करते हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, बाद में आपको ग्रेजुएशन के लिए डिग्री मिल जाएगी, लेकिन आप उसके लिए फिर कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही फिर आप अब्रॉड जा सकते हो, ना ही आप कोई सेंटर प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता होता। वो चुपचाप जाते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, पैसे देते हैं और एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का पता ही नहीं होता कि वो कॉलेज आईएमसी अप्रूव्ड है भी या नहीं है। तो आपका 100% कॉलेज आईएमसी अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वो 100% आईएमसी अप्रूव्ड कॉलेज है, तभी आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है। अगर वो आईएमसी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है, तो आपको एडमिशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है वो आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। फिर आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना आप अब्रॉड जा सकते हो, ना कोई प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ना ही सेंट्रल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कहीं पे भी आपको अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि आपने ऐसे कॉलेज से डिग्री ली है, ऐसे कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी जो आपका आईएमसी अप्रूव्ड नहीं था। तो आप, आपका फ्रेंड, आपके कोई भी रिलेटिव अगर प्राइवेट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर किसी भी राज्य के सरकारी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि पहले वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो कॉलेज आपको आईएमसी अप्रूव्ड है या नहीं है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो कॉलेज आईएमसी अप्रूव्ड है या नहीं है, इसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, 2024 की लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, और उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करें। आपको कहीं पे भी अगर बीएससी नर्सिंग करनी है, तो बीएससी नर्सिंग करने से पहले उसके अंदर लिस्ट के अंदर नाम देखना कि उस कॉलेज का नाम है या नहीं है। उस वीडियो को देखो, उसमें अपनी लिस्ट में जिस भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चेक करो कि उस कॉलेज का नाम उस लिस्ट के अंदर है या फिर नहीं है, तभी आपको आगे का डिसीजन लेना कि उस कॉलेज के अंदर मुझे बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कोई और भी आपको जानकारी चाहिए, एडमिशन के रिलेटेड, कट ऑफ के रिलेटेड, चाहे एमबीबीएस की हो, बीडीएस की हो, बीएमएस की हो, सारी की सारी फील्ड के रिलेटेड, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड आपका भाई आप तक जानकारी पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे आपको एडमिशन लेनी है, कौन से कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं, कौन से कॉलेजेस अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक इजिली जो है वो पहुंचा सके।